नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आज सुरेश बैंक्वेट हॉल में सुबह से ही भारी संख्या में भक्तजन मौजूद हैं। अलवर वाले बाबा की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर भक्त मौजूद हैं। सुबह प्रातः 7 बजे से चल रहा है सुंदर हॉल। सर्वे जिनका आना जन्म हो गया, कोई मेरे बाबा का दीवाना हो गया। सांसद जी, आप नजीबाबाद पधारे हैं आज। अलवर वाले बाबा जी हैं, उनमें उनका है और उनका आशीर्वाद है। कुछ ना कुछ शक्ति के रूप में हमारे ऐसे महान से दर्शन करने के लिए श्री अलवर वाले बाबा जी का आगमन है तथा ये 11वां भंडारा है जो नंजीबाद में आज दिनांक 16 मार्च 2023 को हो रहा है। और नंजीबाद वालों पर बाबा जी की, अलवर वाले बाबा जी की असीम कृपा है और सभी नागरिकों का ये है कि कृपा जो है लगातार नंजीबाद वासियों पर बनी रहे। Thank you.
को साथ लेकर भंडारा लें और भंडारा लेकर अपने अपने घरों को जाएं। जो कोई भेंट चढ़ानी है, जो कोई संकल्प, जो कोई श्रद्धा सुमन है, पहले हाथ भी निकाल के रखें। किसी प्रकार की धक्का मुक्की ना करें। सिक्का साहब इधर आओ, इनको उठाना, इन महिलाओं के पीछे जो ये पुरुष बैठे इनको लगा रहा, फिर वहां से एक एक करके आराम से लगा। आपके पीछे बहुत सारे यात्री हैं, बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, चलिए चलो बेटे इधर आ जाओ, नाम मुझे नहीं आ रहा, आ जाओ जी। भाई साहब आप यहाँ पर सुरेश बैंक्वेट हॉल में पधारे हैं, क्यों, क्या कारण है, यहाँ पर क्यों आए हैं आप? ये हमारे शहर निजामबाद का सौभाग्य है और हम सबको का सौभाग्य है कि आज अलवर में बाबा ने निजामबाद में पदार्पण किया। यहाँ बाबा का जो आशीर्वाद है वो बहुत वाकई फलीभूत होता है और हम उनके आशीर्वाद के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वाले बाबा ये राष्ट्रीय प्रसाद शर्मा जी का भंडारा है महानगर में, जो पिछले 11 वर्षों से हो रहा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनके भक्त रहते हैं और भंडारा बहुत धूमधाम से बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ होता है। इसी भंडारे में सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हम भी यहाँ इसीलिए आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि धन्यवाद के लोगों को उनका आशीर्वाद अधिक से अधिक मिले। क्या चल रहा है आज यहाँ भंडारा जी का कार्यक्रम और यहाँ पे काफी अभी भीड़ है, काफी श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हैं और ये एक हरी रखा है, बड़ा वाला खा वाला।